जी बिल्कुल, हमारे पहले गेस्ट हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जिनका शुमार पाकिस्तान के नंबर वन हीरोज में होता है। लॉलीवुड का भाई कहा जाता है उन्हें और हम प्यार से उन्हें कहते हैं मॉमी भाई। बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला है इधर तो, काफी मुझे लगता है कि दो दो हाथ होंगे। इसके साथ हाथ नहीं होने, इसे मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करो। नहीं करता। और आप रोज जिम में होते हैं? मैं रोज जिम में सोता भी जिम में हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ। वो जिम वाले भी बता रहे थे कि उनका काफी लोहा चोरी हो गया। जी, हमारी दूसरी गेस्ट जो है वो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन, स्टार, फिल्म स्टार, और फिल्म स्टार होने के साथ साथ वो स्टेज की क्वीन भी हैं, और वो जब आती हैं तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखर जाती है। अपने नाम की तरह खूबसूरत फिल्म स्टार खुशबू। ईद मुबारक। आपको देख के शेर याद आ गया। जी जी। कूब कूब फैल गई बात अरबाजाई की। क्या आमद आई है, क्या कहें, आदाब अर्ज़े। कूब कूब फैल गई बात अरबाजाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी ठुकाई की। वाह 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 वाह, उसने खुशबू की तरह मेरी ठुकाई, यानी कि साहबा ने खुशबू की तरह मेरी ठुकाई। अच्छा जी, अब आप एक और गेस्ट को बुलाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने दो गेस्ट बुला चुकी हूँ, और हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं वो जब आती हैं तो हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है, और उनकी जो आवाज है वो कानों में बहुत खूबसूरत लगती है, सुर बिखेरती है। हमारी और आपकी भंगड़ा क्वीन ओ तानू, कैसी हल्ला गुल्ला करो, तुसी शबड गुल्ला शुरू कर। रसगुल्ला भी क्या है, इनू हासा नहीं आ रहा, मोमी भाई को पेट का मसला जो चल दो टॉयलेट चलते चल। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी सोच ऐसी क्यों होगी, वो क्रंचेस ज्यादा लगा लिए होंगे ना। लेकिन ये बहुत आसान है, ये पूछे बहुत आसान। और तुसी मेहमान बुलाया चेदा लै, तू तो चुप कर जा, उन्हें तो आंदी साडी बिस्ती कर दी। चलो फिर आज इंज ही कर लेने। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। सानू तो इंज कह, जी मैं सानू कहनी नहीं सी, नहीं कहनी तो ऐसी, लेकिन आते ही हुमैरा जी इतना अच्छा गाना, आज बड़े अरसे बाद ना डांस खुद निकला, मैंने किया नहीं, निकल गया डांस, आपका डांस निकल गया। ए तो शुक्र करो डांस ही हो गया सी, वरना रैंबो बाई ते रखे थी पिट पिट ते नच पेंदे ने। अच्छा ये बताएं, आखिरी टाइम आपकी पिट पिट पे मैं कब नाचता हूँ? इन्हें गंगा राम ले जाओ। एक मिनट। अच्छा किथे ले जाओ? हैं किथे ले जाओ? किधर नहीं पाए ना। अच्छा आज ताड़ी बाबी ने कहा कि शोज कोई नाच नाच के हंस हंस के मर जाएगा। हाय हाय। अच्छा जी मोमी साहब, आप ये बताइए कि आपकी बेगम बकरा लेने में और ये जो खरीदारी है, आप दोनों साथ जाते हैं? मैं कभी नहीं गया। नहीं गए? नहीं मैं कभी नहीं आज तक बकरा लेने नहीं गए। अच्छा, नहीं, और नहीं, मैं बताऊं कि ये बात हमें थोड़ी थोड़ी पता है, लेकिन लोगों को बताने के लिए हम पूछ रहे हैं कि आप बिल्कुल कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शूटिंग पे भी नहीं, सिर्फ शूटिंग पे जाता हूँ, सिर्फ काम करता हूँ, उसके बाद जो पैसे हैं वो सिर्फ मैं गारा के दे देता हूँ। ये तो ब्याह वाले दिन भी नहीं गए सन, पैन साड़ी आपे आ गई सी। नहीं नहीं, इसके गवाह हैं।
के गवाह हैं, हम बहुत खुशी खुशी गए थे इतनी प्यारी दुल्हन लेने। अच्छा अच्छा, आप झूठ बोल रही हैं, हम कहाँ गए थे, हमारी अपनी शादी। उधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, चक्कर इनके लग रहे, ये लोग परेशान। हमारा एक दो दिन का मेरे ख्याल से, नहीं नहीं सेम डे, सेम डेज थे, सेम दिनों में, सेम दिनों में। आपने, तुम्हें किसने कहा था उस टाइम पे शादी रख लो? हमारी तो प्रॉब्लम थी ना, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? मेरी भी प्रॉब्लम थी। दोनों लव स्टोरीज हैं। अच्छा, तो आप बकरा लेने नहीं जाते? नहीं, मैं कौन लेके आता है? मैं अपनी शर्ट लेने नहीं जाता। अच्छा, आपने अपनी कभी कपड़ों की खरीदारी भी नहीं की? नेवर, इवन मेरी शॉपिंग जितना भी है वो मिनाज डज इट ऑल, आई डोंट गो आउट। और हमेशा आपके जो ड्रेसिंग है बड़ी जबरदस्त होती है देखने के लायक। डिपेंड्स ऑन मिनाज, वैसे तो मैं बनियान में और पजामे में ज्यादा फिरता हूं। ये तो सबका, सब हीरोज का यही हाल है, सबका, या शॉर्ट्स में या यो, बट वो कई दफा कह रही थी कि इंसान बन के भी चले जाओ। खुशबू कहती रहती हैं ये इंसान नहीं बनते। हाय 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 हाय। अच्छा खुशबू जी, आप बताइए कि आपके घर कौन करता है खरीदारी, बकरे की, गाय की? जी वैसे क्या 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 आता, क्या क्या है? गायें भी आती है, बकरे भी आते हैं। अच्छा, और अरबाज लेकर आते हैं। और उसके बाद इस दफा पहली मरतबा मैं बकर मंडी गई है? और मैंने बकरों की खरीदारी की, देखे और एक्सपीरियंस मैंने करना चाहा और बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा मजा आया। और बहुत तो ही खूबसूरत बकरे थे मंडी। तंग नहीं हुई आप लोगों? हाँ, ने देखा होगा बहुत ज्यादा, उनसे उनसे ज्यादा मजा उनको आया। जब बकरे लेने के लेके गई ना तो ये भी बड़ी खुश हुई, बकरे भी खुश हुए, बेड़ा भी खुश हुआ। बकरे ने क्या होना, एक गाना थे भी कर जाओ। हाँ जी हाँ जी, मुझे तो बहुत महंगा दिया उन्होंने। मुझे तुम रैम्बो बहुत याद आए, और क्योंकि तुम अरबाज भी जाते लेने के लिए, तुम्हें पता है। अच्छा, मैं समझा मेरी किसी बकरे नाल शक्ल मिलदी सी। नहीं, मैं अजीब समझ बैठी कि क्या कुर्बानी के दिन ये क्यों याद आ गए? कुर्बानी के दिन ही मंडी में बकरे देख के कि अरबाज और रैम्बो जाते हैं ना लेने के लिए। एक दफा मैं और अरबाज इकट्ठे भी गए थे। दैट्स व्हाई जोड़ी जानती है तो जोड़ी बकरियां दी लेके आउंदे। अच्छा हुमैरा जी, ये बताइए कि आप जो है कितना इंटरेस्ट लेती हैं ये खरीदारी में, ईद की खरीदारी और बकरों की खरीदारी, कि क्या आप गाय बैल लेती हैं या बकरे कुर्बान करती हैं? छतरे। मैं तो इंटरेस्ट लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है कुर्बानी की चीज़ है और इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी साल बाद आपका एक मजहबी हमारा जो फरीज़ा है ये उसमें से है, और इंटरेस्ट लेना चाहिए कि आप जो जानवर खरीद रहे हैं खुदा की राह में, जो आपने कुर्बान करना है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हालांकि कुर्बानी करने वाले को अपने ऐप देखने चाहिए, उसमें कोई कुर्बानी नहीं है, लेकिन आप कुर्बानी, क्या बात है, कुर्बानी के जानवर को देखते हैं कि इसके अंदर कोई वो मतलब नहीं है, ऐप वगैरह तो नहीं है, तो मैं देखती हूँ। वेरी गुड जी, अच्छी बात की। क्या अच्छी बात की, कुर्बानी करने वाले को अपने भी ऐप अपने ऐप देखने चाहिए कि मैं जिस पैसे से बकरा लेने जा रहा हूँ वो भी ठीक है कि नहीं। कौन सी स्पेशल डिश है जो ईद के दिन आपके घर जरूर बनती है? साहिबा, जैसे कि सबको पता है कि सबसे पहले कलेजी पकती है, वो सुन्नत है और मर्दों को खिलाई जाती है बना के, तो उसमें से हम लोग भी खाते हैं, चखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेमन डाल के? यस, अदरक लेमन। कुक बनाता है या आपकी कोई बहन? बहन बनाती है, अम्मी भी बनाती थी, अब मेरी अम्मी नहीं है तो अब कुक बनाती हैं। अच्छा मोमी साहब, आप ये बताएं कि मेहनाज की कितनी हेल्प कराते हैं आप, क्योंकि अक्सर ये होता है ना ईद के दिन मुलाजमीन भी छुट्टी चले जाते हैं, तो अकेली बेगम किचन में हो, तो आप सिर्फ थोड़ी सी तो हेल्प करा देते होंगे, पकाने में नहीं लेकिन लगाने में, या मैं उठने के बाद सिर्फ ये पूछता हूँ हाँ भाई बन गया, तैयार हो गया। अच्छा मोमी, घर में भी मोमी है हीरो? ए बेगम कली हुए थे डर जाते ने, क्यों जे पै गई तो इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। की बोलिए है जी, की क्या तुझे सुने नहीं, सोफा आगे कर लो। तू आगे आया, मैं कह मैंने तू कह दे आई एम प्राइम मिनिस्टर। अंग्रेजी भी नहीं आती है, इस वास्ते हंस रहे हैं, मैं भी नहीं पता मैं की बोलूं। इन्हें प्राइम मिनिस्टर चढ़ गया। अच्छा जी, तो मोमी क्या बनता है पहले दिन खाने में? जारी बात है, वो सबसे पहले कलेजी, फिर उसके बाद जो भी बनाती हैं दोपहर, या ऑफ कोर्स
और लेकिन जब से अल्लाह नसीब करे अम्मी की डेथ हुई है, आमीन, तो मेरा वो इतना दिल नहीं करता इन चीज़ों के लिए, मतलब मेरा इतना दिल नहीं करता। बट ऑफ कोर्स फिर दोपहर को खाना होता है, फिर जैसा हम लोग सब दोस्त यार सारे कभी मिल जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं किसी के घर, जैसा आपने कर दिया डिनर, फिर मेरे घर लंच हो गया, इनके घर लंच हो गया या डिनर हो गया, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। जी, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं GNN की ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद, बड़ा जज्बा। ईद मुबारक। खुशबू, आपको ज्यादा मेहमान बनना पसंद है या मेजबान बनना पसंद है? दोनों साहिबा, दोनों दोनों। मुझे मेजबान बनना भी बहुत पसंद है और मेहमान बनना भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे को घर पे आता है तो बहुत खुश होती हूँ, और मुझे टेंशन होती है कि यार किसी चीज़ की कमी ना रहे उसकी मेहमान नवाजी में, और पूरे लवाजमात होने चाहिए, जो चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए, बोतलें ये वो, मीठा भी होना चाहिए साथ में, और जैसे बिरयानी स्पेशल डिश होती है, हाँ। वो कोरमा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कहती हूँ कि कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, और मैं जब आगे जाऊँ जैसे आप लोगों के घर आते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, मतलब कि ग्रीन टी तक पी। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, हाँ। ये दोनों आप तीनों बैठे हुए हो, मैं आपके तरफ तो नहीं आ सका अभी तक, लेकिन आप तीनों बैठे हुए हो, तीनों बहुत अच्छे मेजबान। अच्छा।